नमस्ते। सभी ने होमवर्क कर लिया ना? लास्ट में हमने एक टॉपिक पूरा देखा था, यानी कि इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब हम 4th टॉपिक यानी कि प्रेशर टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? हमेशा की तरह स्टार्ट विद द गायत्री मंत्र। लेट्स क्लोज योर आइज। चलो, प्रेशर। प्रेशर यानी कि क्या? नॉर्मली तो प्रेशर के बारे में हमें मालूम है, लेकिन उसकी ट्रू डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखो, व्हेन वी मूव ऑन सैंड Our feet sink into it and it is difficult for us to walk. जब हम सैंड के ऊपर चलते हैं तो हमारे फीट क्या हो जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं और उसमें चलना आसान होता नहीं है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। किस में? तो के सैंड में चलना, रेत में चलना। On the other hand, a camel which is much heavier than us can walk on sand easily. लेकिन उसी जगह दूसरी साइड हम देखें कि जो कैमल होता है वो तो हमारे से उसका वेट और वो इतना हेवी होता है, लेकिन फिर भी वो सैंड में ईजिली चल सकता है। दिस इज बिकॉज ए कैमल हैज़ ए ब्रॉड फीट। एक यू ऐसा होता है क्योंकि कैमल के पैर यानी कि उनके फीट कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। इट इज ईजी टू कट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विथ ए शार्प नाइफ। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को कट करने के लिए शार्प नाइफ हो तो ईजिली कट हो जाएगा। किसको कंपेयर करेंगे? अगर ब्लंट नाइफ हो, ब्लंट वन को कंपेयर करेंगे उसके मुताबिक जो शार्प यानी कि अनिदार जो चाकू है उसके मदद से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ईजिली कट कर सकते हैं। This happens because a blunt knife has a larger area of contact. ये इसलिए होता है कि जो blunt knife होती है यानी कि जो जिसके अंदर sharpening नहीं होती है उसमें blunt knife में क्या होता है, तो कि जो knife blunt होती है वहाँ पे area of contact ज़्यादा होता है, लेकिन जो sharpen होता है वहाँ पे area कम हो जाता है। इसी की वजह से जो जहाँ पे area कम है वहाँ अच्छे से कट हो जाता है फ्रूट और वेजिटेबल, शार्प नाइफ की मदद से अच्छे से कट होते हैं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 9.2। हम 9.1 एक्टिविटी को देखेंगे टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन टू। एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो, एक्टिविटी 9.2 क्या करना है, तो के टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड द एरिया ऑफ कंटेंट। टेक ए पॉट फिल्ड विद सॉइल। एक पॉट लेने अथवा तो कोई भी एक बीकर ले लो जिसमें फुल ऑफ क्या है, तो के सैंड बनी। उसके बाद टेक ए ब्लंट पेंसिल। ब्लंट पेंसिल मतलब कि जिस साइड शार्प ना हो, यानी कि इस साइड ऐसी साइड होती है वो पेंसिल लेनी है और पुश इट इन द सॉइल। किसके अंदर पुश करना है, यानी कि सॉइल है उसके अंदर पुश करना है। फर्स्ट कौन सी साइड बोली है, तो कि ब्लंट साइड, यानी कि ब्लंट साइड की मदद से हम उसमें पुश करेंगे। फ्रॉम इट्स अनशार्पन्ड एंड, जहाँ पे शार्पन नहीं है उस साइड से हम उसके अंदर पुश करेंगे। उसके बाद नाउ टेक ए शार्पन्ड पेंसिल। अब हम शार्प साइड की पेंसिल ले लेंगे और उसको भी बिल्कुल उसी तरह उस सॉइल के बीकर के अंदर पुश करेंगे। तो अब आपको फील होगा कि कौन सा वाला जल्दी अंदर चले, कौन सी साइड से जल्दी अंदर पेंसिल पुश हो गई, क्यों, कौन सी साइड, तो के शार्पन साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है इसीलिए वो इजीली अंदर चली गई। देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, विच वन इज ईजियर टू पुश इन टू सॉइल, कौन सी साइड ईजियरली पुश हो गया। यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज मच ईजियर टू पुश द शार्पन्ड पेंसिल देन द ब्लंट वन। आपने देखा होगा कि जो शार्पन्ड एंड है उसको पुश करना ईजी होगा, किसको कंपेयर करके, तो कि ब्लंट वन है उसको कंपेरिजन में। जो शार्पन होता है वो ईजिली अंदर पुश हो जाता है और जो ब्लंट है उसको थोड़ी देर लगती है। तो ऊपर की एक्टिविटी में हमने क्या देखा, तो कि शार्पन एंड ईजिली पुश हो जाता है किसको कंपेयर करके, तो कि ब्लंट वन को कंपेयर करके। देखो, फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि वहाँ पे कितना एरिया है उसके अनुसार ही इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। ये जो ब्लंट साइड होते हैं यहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है इसलिए ईजिली पुश नहीं होता, लेकिन जो शार्पन साइड है यहाँ पे एरिया कम होता है इसीलिए
इजिली पुश अप हो जाती है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो के एरिया ऑफ कंटेंट. लेसर द एरिया ऑफ कंटेंट मोर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड वाइस वर्सा. जहाँ पे एरिया ऑफ कंटेंट कम होगा वहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, और वैसे ही उल्टा जहाँ पे एरिया ऑफ कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा. That is why it is easy to push a sharpened pencil into the soil as the area over which the force is applied is small, increasing the effect of force on it. इसी वजह से जो sharpened pencil हो easily push हो जाती है और area वहाँ पे कम है, इसीलिए effect of force increase होता है. वी कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर. हम इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर कर सकते हैं किसका मदद लेके, किसकी मदद लेके, तो के प्रेशर की मदद लेके. तो प्रेशर क्या है चलो देखते हैं. प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस. प्रेशर क्या है तो के कोई एक यूनिट एरिया ले लो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको कहते हैं प्रेशर. यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, कोई भी एक यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, मानो कि ये सरफेस लिया है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वही है उसका प्रेशर. मतलब कि मैं कोई एक यूनिट एरिया ऑफ सरफेस के अंदर फोर्स एक्ट हो रहा है वो उसका प्रेशर. उसकी एक आपको क्या दी गई, तो क्या फॉर्मूला दी गई जिसकी मदद से आप इजिली प्रेशर को काउंट कर सकते हो. फोर्स आपने कितना फोर्स दिया वो डिवाइडेड बाई कितने एरिया में वो दिया, मतलब कितनी जगह, ये जगह ली उसके अंदर इतनी जगह है और उस जगह के अंदर आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, उस दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रेशर कितना है. फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट. द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. पास्कल का एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल. वन मार्क्स का क्वेश्चन है और उसका सिंबल पीए. Thus, 1 Pascal is the pressure applied when force of 1 Newton act on an area of 1 square meter. ये क्या समझाया गया है, जो यहाँ पे आपको लिखा दिया गया है ना वही इसको वर्ड में. 1 Pascal is equal to 1 Newton upon meter square. ये कैसे हुआ Newton upon meter square? देखो Pascal क्या है, तो के pressure का unit. प्रेशर यानी कि पास्कल इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, और एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. यानी कि ये जो यहाँ पे रिलेशन दी गई है उसी के अनुसार पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये उसी के अनुसार दिया गया है. समझ में आया कैसे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, इसीलिए 4 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम्स यानी कि सम्स कैलकुलेट करना सीखेंगे. देखो कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर. यानी कि आपको फोर्स की वैल्यू दी गई है और एरिया की, आपको क्या करना है सिर्फ प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो प्रेशर की फॉर्मूला अभी हमने देखी, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया. फोर्स कितना 5 न्यूटन, एरिया 10 मीटर स्क्वायर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, 5 न्यूटन अपॉन 10 मीटर स्क्वायर. 15 इज 25 सर 10, तो आंसर क्या आएगा 0.5, और इसका यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. देखो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अथवा तो 0.5 पास्कल कोई भी एक यूनिट लिख सकते हैं. सम कितना इजी है, आपको दोनों वैल्यू दी गई है, सिर्फ आपको उस रिलेशन में फॉर्मूला में सिर्फ अप्लाई ही करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि नेक्स्ट सम क्या है. देखो If a boy applies a force of 60 Newton, force कितना है 60 Newton on an area of 16 centimeter square. कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया 16. What will be the pressure produced by him? प्रेशर ही कैलकुलेट करना है हमेशा की तरह. फोर्स दिया गया, एरिया दिया गया, क्या कैलकुलेट करना है प्रेशर. प्रेशर के फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. लेकिन देखो किस में दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमें किस में चाहिए मीटर में. तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10,000, तो क्या आएगा 0.0016. कैसे ये आया देखो, 1, 2, 3, 4 फोर जीरो से, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट को छोड़ के पॉइंट आएगा, यानी कि 0.0016 मीटर स्क्वायर. अब उसमें अप्लाई कर देना है 16 न्यूटन अपॉन 0.0016 मीटर स्क्वायर. आंसर क्या आएगा 10,000 पास्कल्स अथवा तो 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कैसे आया, यहाँ पे कितने हैं 1, 2, 3, 4 डिजिट को छोड़ के पॉइंट है, तो हमें पहले पॉइंट को हटाना है. तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे तो यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, जीरो पॉइंट चला जाएगा, तो 16 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ऊपर के 10,000 ही बचेंगे, क्योंकि ये 10,000 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? 16/0.0016 से हमने अपर और लोअर साइड दोनों साइड क्या किया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ऊपर क्या आएगा 10 × 10,000 और नीचे 16 कैंसिल, बचा क्या तो के 10,000, तो प्रेशर कितना तो के 10,000। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, MN exerts a pressure of 14 Pascal, यहाँ पे हमें प्रेशर दे दिया गया, देखो 14 Pascal प्रेशर बाई अप्लाइंग ए फोर्स, फोर्स दिया 42 न्यूटन ऑन ए बॉक्स, कैलकुलेट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है कि कितनी जगह पे फोर्स अप्लाई किया गया है, फोर्स कितना 42 न्यूटन, प्रेशर 14, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया की फॉर्मूला कैसे करोगे, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, हमें क्या चाहिए एरिया, तो एरिया को यहाँ ले लो और प्रेशर को यहाँ, तो आ जाएगा हमारा फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। सिंपल है, फोर्स की वैल्यू प्रेशर की वैल्यू, आंसर क्या 3 meter square। लास्ट यानी कि फोर्थ एग्जाम्पल, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 136 cm² टू एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 17 Pascal। आपको एरिया दिया गया है और प्रेशर, कैलकुलेट क्या करना है फोर्स। देखो प्रेशर और एरिया दोनों दे गए, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा ए डिविजन में है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो प्रेशर इंटू एरिया कैसे आएगा, हमें यहाँ पे प्रेशर और एरिया की वैल्यू दी गई है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर 17 Pascal, एरिया 136 cm², एरिया हमें किस में चाहिए मीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 10,000, तो 0.0136 m². अब सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है, फॉर्मूला क्या है तो कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, 17 × 0.0136, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आपका आंसर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसीलिए आंसर में न्यूटन। तो ये हमने देखा क्या सम्स, फोर्स प्रेशर और एरिया को कैलकुलेट करना, इस प्रेशर एंड एरिया क्या है तो कि व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड द प्रेशर डिक्रीज, जब हम जिस जगह पे फोर्स अप्लाई करने वाले हैं उस जगह को अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सिमिलरली ए डिक्रीज इन कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज द प्रेशर, उसी तरह जब हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वो तो हमें इस रिलेशन में भी दिखाई दे रहा है। देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर और फोर्स ऊपर है यानी कि कहाँ पे है न्यूमरेटर में, और एरिया डिनोमिनेटर यानी कि प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा एरिया डिक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, दोनों इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है। तो यही हमें दिखाया गया बोला गया है कि जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। वी कैन ऑब्जर्व दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया इन मेनी डे टू डे एक्टिविटीज, और हम इस रिलेशन को अपने डे टू डे एक्टिविटीज में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये तो हमने अभी सिंपली भी देख लिया, रिलेशन में भी क्या है दिखाई दे ही रहा है। देखो चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए गए। द विड्थ ऑफ द स्ट्रैप्स ऑफ बैग एंड सूटकेस इज इंक्रीज्ड टू रिड्यूस प्रेशर व्हाइल कैरिंग देम, जो बैग्स में जो पकड़ने की जगह होती है उसको हम क्या कर देते हैं लंबा कर देते हैं, जब हैवी बैग होता है, जब बैग हैवी होता है तब जो पकड़ने के जो दिए गए स्ट्रैप्स उसको हम क्या कर देते हैं तो के बड़ा, उसकी विड्थ को बड़ा कर देते हैं ताकि हम अच्छे से यानी कि उसके प्रेशर हम थोड़ा कम कर सके, इसीलिए एरिया बढ़ गया तो उसका प्रेशर कम हो गया। द व्हील्स ऑफ मिलिट्री टैंकर्स आर कवर्ड विथ ए ब्रॉड रबर स्ट्रिप सो दैट दे डू नॉट सिंक इन द सैंड और स्नो, जो मिलिट्री टैंकर्स होता है आपने देखे नहीं, लेकिन उसके व्हील को एक ब्रॉड रबर स्ट्रिप से क्या कर देते कवर कर देते ताकि वो जब सैंड में चले अथवा तो ठंडी में चले तो वो वहाँ पे जम ना जाए यानी कि अटक ना जाए रुक ना जाए, उसकी वजह से उसको एक रबर स्ट्रिप से कवर्ड कर देते है। इट इज मोर कम्फर्टेबल टू वियर ब्रॉड हील्स वाइल वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सरफेस,
जब सॉफ्ट सरफेस पे हम चल रहे हैं तब ब्रॉड हील्स पहन के हम आसानी से चल सकते हैं, लेकिन अगर सरफेस रफ होगा तो हम हील्स पहन के इजीली चल सकते नहीं है। एलिफेंट्स एंड बियर हैव ब्रॉड फीट टू हेल्प देम वॉक ऑन सॉफ्ट सरफेस विदाउट फॉलिंग। एलिफेंट्स और बियर के फीट भी क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, इसीलिए वो सॉफ्ट सरफेस में ईजिली चल सकते हैं बिना गिरे, और अगर हम चलेंगे तो वहाँ पे गिर जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। आज के लिए इतना है। होमवर्क क्या करना है, ये जो प्रेशर की डेफिनेशन है, प्रेशर की डेफिनेशन यहाँ से लिखना है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। प्रेशर से लेके ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट पास्कल, ये पूरा लिखने के बाद प्रॉब्लम्स लिख के 1, 2, 3 और 4 सब 4 प्रॉब्लम्स यहाँ तक लिखना है फिर बुक में, और अच्छे से समझना भी है। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ 9.4.2 अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो नमस्ते।